हमने रिसेंटली उर्वशी रौतेला का एक वीडियो देखा था जिसके चलते उन्होंने वहाँ पे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी और जो पूरा इंसिडेंट उनका हुआ था विद ऋषभ पंत, तो ऐसा दिख रहा था और ऐसा मानने में भी आ रहा था। और एक्चुअली जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको भी यही लगेगा कि उर्वशी बेसिकली माफ़ी मांग रही है ऋषभ पंत से जो कुछ भी हुआ उसके लिए, क्योंकि उन्हें रिपोर्टर ने सवाल जो पूछा कि आपका और यू नो अगर आप आरपी को अभी कुछ कहना चाहोगे तो आप क्या कहोगे, तो शी सेड मैं क्या बोलूँ अब उसके ऊपर, नथिंग, मैं सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आई जस्ट वांट टू से आई एम सॉरी। अब उसके ऊपर एक नया बयान आ रहा है उर्वशी रौतेला का, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, स्टोरी डाली है और कहा है कि मीडिया में फेक चीज़ें, खबरें जो है, फेक खबरें, फेक चीज़ें घूमती रहती है, फिरती रहती है। मैंने कभी भी ऋषभ पंत से माफ़ी नहीं मांगी। तो आखिर किससे माफ़ी मांगी है उर्वशी रौतेला ने, क्या है पूरा का मामला, सारी कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मिस्टर आरपी उन्हें यानी ऋषभ पंत बार बार फ़ोन कर रहे थे जब वो बाहर किसी काम से थी और होटल के नीचे उनका इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें कई बार कॉल किए गए थे। एंड उर्वशी रौतेला ने कहा कि मैं अपने काम से इतनी थक गई थी, मैं सो गई, मैंने देखा ही नहीं। अगले दिन जब मैंने देखा तब यू नो मैंने उन्हें कहा कि मैं मुंबई आके आपसे मिलती हूँ, और जब वो मिले मुंबई में तब बहुत ज़्यादा जो है पैपराजी के सामने अलग ही सीन क्रिएट हो गया। लेकिन फिर भी यू नो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, ऐसा कोई नेगेटिव वे में उन्होंने नहीं कहा, बट ऑफ कोर्स ऋषभ पंत को वो ठीक नहीं लगा और इतने सालों के बाद ये कहना शायद कुछ लोगों को सही भी ना लगे। सो इसके बाद उन्होंने यू नो मेरी बहन मेरा पीछा छोड़ दे कहा, फिर छोटू भैया ये उर्वशी रौतेला ने रिटर्न में कहा, फिर उसके ऊपर ये माफ़ी मांगने वाला इंसिडेंट हुआ। लेकिन अब स्टोरी पे क्लैरिफिकेशन डालती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे उन्होंने आई एम सॉरी कहा था हाथ जोड़ते हुए। उनका कहना था कि आजकल ऑफिशियल न्यूज़ आर्टिकल्स एंड सो कॉल्ड मीम पेजेस होते हैं वर्स्ट मार्केटर्स है, ये मूवी और टीवी शो से भी ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं। वो सॉरी मैंने अपने फैंस से कहा था, मेरे लव्ड वन से कहा था कि मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। हैशटैग वाई द न्यूज़ इज़ नॉट द ट्रूथ, हैशटैग फॉल्स मिसलीडिंग लाइट, हैशटैग ग्रेट स्क्रिप्ट, हैशटैग फैक्ट्स आर नॉट कॉपीराइटेबल। इस तरीके से कहा कि मैंने तो माफ़ी जो है वो ऋषभ पंत से नहीं मांगी है, किसी भी चीज़ के चलते मैंने ऋषभ से माफ़ी नहीं मांगी, उसे सॉरी नहीं कहा, मैंने सॉरी अपने लव्ड वन से कहा, अपने फैंस से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, ऋषभ पंत से कहा नहीं, और मीडिया में ये गलत खबर आई। लेकिन अगर आप वो वीडियो अच्छे से देखोगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऋषभ पंत से क्या कहोगे, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सॉरी कहा, तो लोगों का ये इंटरप्रिटेशन हुआ। लेकिन अब उसके ऊपर क्लैरिटी दे दी है उर्वशी ने कि उन्होंने ऋषभ पंत से नहीं बल्कि फैंस से माफ़ी मांगी है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना। आई सी यू सून।